तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि जो जहाँ जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई या ऑक्सीडो रिडक्शनल रिएक्शंस हुए या जहाँ पर डीहाइड्रोजनेसिस जो थे वो एंजाइम्स थे, वहाँ पर को एंजाइम यूज़ हुआ और वहाँ पे NAD प्लस जो था वो रिड्यूस होके NADH और H प्लस में कन्वर्ट हो गया। एनएरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जहाँ पे क्रैब्स साइकिल ऑपरेट नहीं करता, वहाँ पर ये जो रिड्यूस्ड NAD है ये ग्लाइकोलिसिस में ही जो पाथवे है उसी के बीच में ये यूज़ हो गया, ग्लूकोज की डिग्रेडेशन का या मेटाबॉलिज्म का ग्लाइकोलिटिक पाथवे में पाइरूविक एसिड बना एंड प्रोडक्ट। और क्योंकि ये एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये जो NADH और H प्लस बना या रिड्यूस्ड NAD बना विद इन पाथवे ही यूटिलाइज हो गया, या तो पाइरूविक एसिड इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ या फिर ये लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास NADH H प्लस यूज हुआ और फिर हमारे पास नया NAD जो कि ऑक्सीडाइज्ड NAD है वो बन गया, और इस तरह से ये बार बार बनेगा, रिड्यूस होगा और फिर ये इथाइल का एल्कोहल या लैक्टिक एसिड एनएरोबिक एनिमल्स में बनाएगा या ऑर्गेनिज्म में बनाएगा। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ये जो पाइरूविक एसिड है ये क्रैब साइकिल में चला जाता है और उस केस में ये जो रिड्यूस्ड NAD है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रेवल करेगा और उसके बाद यहाँ पर एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज होगी और NADH H प्लस जो था वो NAD में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के रिएक्शंस देखें तो रिएक्शन नंबर 1 और 3 में जो डीहाइड्रोजनेसिस हैं उन्होंने NAD यूज नहीं की, बल्कि NAD प्लस की जगह NADP प्लस हुआ। ये NADP प्लस जो है ये यूज़ हुआ और इन दो रिएक्शंस में ये कन्वर्ट हुआ NADPH और H प्लस में। अब इस रिड्यूस्ड NADP के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर एनर्जी जो है वो बना दे जैसे कि NAD रिड्यूस्ड ने बनाई थी, या फिर ये और पाथ जो है वो अपना ले। मैक्सिमम केसेस में ये जो NADPH और H प्लस है इसको हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, उनमें ये रिड्यूसिंग पावर NADPH और H प्लस जो है वो यूटिलाइज होती है। अब वो बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस कौन कौन से हैं उनमें से कुछ एक को हम एग्जांपल्स के तौर पर लेंगे। तो पहली एग्जांपल जो है वो है ग्लूकोज जो है वो एल्डोज है, 6 कार्बन है और NADPH H प्लस यूज होगी तो ये NADP प्लस बन गया। और ये दो हाइड्रोजन जो हैं ये यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर ऐड होंगे, तो कार्बन नंबर 1 पे ऐड होने के बाद ये बन जाएगा CH2OH, बाकी वैसे का वैसा रहेगा, तो ये बन गया सॉर्बिटॉल। ये सॉर्बिटॉल जो है ये बेरीज में मिलता है और फैमिली रोजेसी के जो प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स में मिलता है। सॉर्बिटॉल जो है वो वाटर सॉल्युबल है और स्वीट टू टेस्ट, मीठा है, रिड्यूसिंग पावर का। दूसरा यूज जो है फोलिक एसिड जो है उसकी डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और इसकी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्शन, तो ये विटामिन है।
तो जो पहला स्टेप है वो है कि फोलिक एसिड ये NADPH से दो हाइड्रोजन्स ले लेगा, तो ये NADP तो हो गया ऑक्सीडाइज और खुद ये फोलिक एसिड कन्वर्ट हो गया डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, और इसको हम FH2 से डिनोट करते हैं, F फॉर फोलिक एसिड और H2 मीन्स डाइहाइड्रो। अब ये जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है ये फिर NADPH से दो हाइड्रोजन से लेगा, इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा NADP+ में और ये खुद हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, जिसको हम FH4, F फॉर फोलिक एसिड, H4 टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो A में जो एंजाइम है वो है फोलिक एसिड रिडक्टेज, फोलिक एसिड जो है उसकी रिडक्शन हुई और ये बन गया डाइहाइड्रोफोलिक एसिड या FH2 में। और जो बी है यहाँ पे जो एंजाइम है वो है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज, और डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये हाइड्रोजन डोनेट करने का काम करेगा। तीसरी एग्जांपल जो है रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूविक एसिड, इससे दो चीज़ें हमें पता लग रही हैं कि एक तो पाइरूविक एसिड की रिडक्शन हो रही है, मतलब ये है कि इसमें दो H जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, और दूसरे कार्बोक्सिलेशन हो रही है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है इस रिएक्शन में। तो पाइरूविक एसिड की रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई इसमें और दूसरे दो हाइड्रोजन NADPH से होनी है। एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है और ये दो हाइड्रोजन से ऐड हो रही हैं। जो हाइड्रोजन्स हैं ये ऐड होंगी कीटोनिक ग्रुप पे, तो कीटोनिक ग्रुप है ये वाला, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड होंगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी ये CH3 वाले पे। तो जब ये CH3 पे CO2 ऐड होगी तो ये बन जाएगा CH2COOH, तो ये बन गया हमारे पास COOH, ये बना CH2 और हाइड्रोजन ऐड होगी यहाँ पर, तो ये बन गया CHOH और फिर ये बन गया मैलिक एसिड, ये दो ऐड होगी और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड हुई है और एंजाइम का नाम है मैलिक एंजाइम, और जो बाकी बचा वो है NADP ऑक्सीडाइज्ड या NADP+। तो इसका फ़ायदा क्या है, पाइरूविक एसिड जब वो क्रैब्स साइकिल में एंटर करता है तो पहले तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, फिर वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि मैलिक एंजाइम के बाद में बनता है उसके साथ कंडेंस होकर सिट्रिक एसिड बनाएगा, फिर एकोनाइटेज से सिस एकोनाइटिक एसिड बनाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड बनाएगा, फिर आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजनेज से अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड बनाएगा और फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड और फिर मैलिक एसिड बनेगा। तो ये फास्ट ये ब्रिज बन गया कि पाइरूविक एसिड जो है वो एकदम मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी ये रिड्यूसिंग पावर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद जो चौथी एग्जांपल है
वो है जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन है उसकी टायरोसिन में कन्वर्शन। तो ये फिनाइल और ये एलानिन हो गया फिनाइल एलानिन, और इसकी कन्वर्शन हुई टायरोसिन में। और फिनाइल एलानिन और टायरोसिन में सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फर्क है। तो ये तो हो गया फिनाइल एलानिन, और इस फिनाइल एलानिन पे फिनाइल ग्रुप पे OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिलेशन हुई, तो ये बन गया टायरोसिन। सिर्फ एक ग्रुप का फर्क है, तो ये टायरोसिन। और टायरोसिन का यूज जो है आपको पता है मेलानिन सिंथेसिस में ज़्यादातर होता है, जिससे कि स्किन की पिगमेंटेशन होती है। अब इसमें NADPH जो है वो यूज होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होके NADP+ बन गया, ऑक्सीजन ऐड होगी और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। अब फिनाइल एलानिन से जो टायरोसिन कन्वर्ट हुई, इसके लिए एक कोफैक्टर जो है वो यूज़ होता है, और उस कोफैक्टर का नाम है बायोटेरिन। जितने भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं उनकी हाइड्रोक्सीलेशन जो है उसमें हेल्प करते हैं। अब ये जो बायोटेरिन हैं ये दो फॉर्म में अकर करते हैं, डाइहाइड्रोटेरिन और टेट्राहाइड्रोटेरिन। जैसे फोलिक एसिड FH2 और FH4 में था, वैसे ही टेरिन भी डाइहाइड्रो और टेट्राहाइड्रो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो NADPH जो है, रिड्यूस्ड NADP है, वो कैसे यूज होता है? ये होता है कि जो डाइहाइड्रोटेरिन है इसमें ये NADPH और H+ यूज हुआ, और ये कन्वर्ट हो गया टेट्राहाइड्रोटेरिन में, और NADP जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या हुआ कि ये जो H4 है, टेट्राहाइड्रोटेरिन जो है, ये एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप तो कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोटेरिन में, और जो दो हाइड्रोजन्स ये वाली इसने ली थी ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। अब हमारे पास एक O बचा। ये O जो है ये फिनाइल ग्रुप जो है इसमें ऐड होगा, तो ये बन जाएगा OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये टायरोसिन जो है वो बन जाएगी, और वाटर हो गया, टायरोसिन हो गई, NADP ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और खुद H4 जो था वो H2 में डाइहाइड्रोटेरिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन में जो कन्वर्शन है, इसमें दो एंजाइम यूज हुए, या एक एंजाइम एक्ट करेगा जब डाइहाइड्रोटेरिन जो है वो टेट्राहाइड्रोटेरिन में कन्वर्ट होगी। तो डाइहाइड्रोटेरिन NADP रिड्यूस से हाइड्रोजन लेके टेट्राहाइड्रोटेरिन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये NADP+ रिलीज हो गया। तो इसको हम ए एंजाइम कहेंगे, और जिसमें
डाइहाइड्रोटेरिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो सेकंड स्टेप है जिसको बी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, उसमें टेट्राहाइड्रोटेरिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोटेरिन में कन्वर्ट हो रही है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और एक ऑक्सीजन जो है वो फिनाइल के एच के साथ लगकर हाइड्रोक्सी ग्रुप बना रही है और ये OH ये वाला आ गया तो ये टायरोसिन बन गई। तो ये जो सेकंड स्टेज है जिसमें कि ये OH ग्रुप फिनाइल ग्रुप के साथ बना, तो पहले ए वाले को तो हम कहेंगे डाइहाइड्रोटेरिन रिडक्टेज, ये जिसमें कि डाइहाइड्रोटेरिन की रिडक्शन हुई, हाइड्रोजन ऐड होगी तो वो टेट्राहाइड्रोटेरिन बन गया। और सेकंड जो है उसमें ये जो दो हाइड्रोजन्स जो हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर बनाएंगे, लेकिन एक वो जो बचेगा वो इसकी फिनाइल एलानिन की हाइड्रोक्सीलेशन करेगा, OH ग्रुप जो है वो ऐड करेगा, इसलिए उसको हम कहते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। तो ये दो एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं इस रिएक्शन में, जहाँ पे फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होती है। एक और एग्जांपल जो है जिसमें कि ये NADPH यूज़ हो रहा है वो है फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस। और क्योंकि ये फैटी एसिड्स दो तरह के हैं, एक तो हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इनकी बायोसिंथेसिस जो है वो जब भी होगी तब जो रिड्यूसिंग पावर है इन द फॉर्म ऑफ NADPH और प्रोटॉन वो यूज़ होगी या यूटिलाइज होगी और डिफरेंट फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस होगी। इस एग्जांपल को जब हम फैटी एसिड्स की सिंथेसिस करेंगे उसमें इलेबोरेट किया जाएगा।